देखिए दोस्तों, 1:15 बज रहा है और ये दिन के 1:15 नहीं बजे हैं, ये है रात के 1:15। और आज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ब्राउनी। जी हाँ, इस टाइम मैं ब्राउनी बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरा डायलिसिस था। डायलिसिस से आने के बाद मैं थक गया था तो सो गया था। अब मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे अचानक याद आया कि जब मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था तो उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ब्राउनी की रेसिपी क्या है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने बाउल में ले रखे हैं चॉकलेट और बटर। तो यहाँ पर मेरे पास ना डार्क चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी, एकदम थोड़ा सा ही डार्क चॉकलेट था, तो बाकी मैंने मिल्क चॉकलेट ले लिया है और बटर ले लिया है। मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स बहुत ही ईजी है, मैं आपको यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, तो आपको भी इजी रहेगा, मुझे भी इजी रहेगा। अभी मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ कि ब्राउनी को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम ना चॉकलेट को मेल्ट करेंगे इस बटर के साथ, और इस पूरे प्रोसेस में पूरे जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है सब में आपको बटर टोटल 12.5 ग्राम ही लगेगा। उसके अलावा आपको इसमें ऑयल और घी कुछ डालना ही नहीं है। साथ में आपको यहाँ पे एक पेस्ट बनाना है कर्ड का और पीसी हुई चीनी का। उसको इतने अच्छे से फेंटना, एकदम स्मूथ फेंट लीजिए, इस तरह से वाइट वाइट दिखने लग जाएगा बैटर। तो यहाँ पे अगर आप कर्ड लेंगे ना, तो ध्यान रखिए थोड़ा मतलब हंग कर्ड जैसा हो, या फिर उसमें पानी की मात्रा कम हो, ऐसा दही आपको लेना है। फ्रेश कर्ड लीजिए, खट्टा दही नहीं चाहिए। इसमें हम विनेगर भी नहीं डालेंगे। और यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लग गई थी, फिर मैंने सोचा कि अब शुरू कर ही दिया इसे बनाना तो पूरा करके छोड़ेंगे वीडियो को भी। तो यहाँ पे मैंने केक टिन लिया, उससे भी अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से, और बटर पेपर इस तरह से लगा लीजिए। और यहाँ पे मैंने तवा ले लिया जो आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। तो ये देखिए चॉकलेट तो मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने रख रखा है व्हीट फ्लावर, और व्हीट फ्लावर में मैंने मिक्स कर रखा है, यहाँ पे 45 ग्राम्स व्हीट फ्लावर है और उसमें मैंने मिक्स कर रखा है 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ में हम यहाँ पे कोकोआ पाउडर है वो यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आज मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी तो मैं यहाँ पे कोकोआ पाउडर की मात्रा ज़्यादा ले रहा हूँ, नहीं तो आप 1 टीस्पून भी लेंगे तो चलेगा, और बाकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आपको कैसा टेस्ट पसंद है। ज़्यादा चॉकलेट थोड़ा बिटर टेस्ट पसंद है ब्राउनी में, तो आप कोकोआ पाउडर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। और वैसे एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कोकोआ पाउडर की मात्रा आप अगर थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 3-4 टीस्पून डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। कर्ड के अंदर सबसे पहले चीनी मिक्स की, अच्छे से फेंटा, उसके बाद उसमें हमने चॉकलेट मेल्टेड वो मिक्स किया, उसके बाद हमने इसमें फ्लावर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया, और इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख ली इस तरह से रहेगी। और आप इसमें चाहे तो वॉलनट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वॉलनट ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बिना ड्राई फ्रूट का पसंद है, वॉलनट से मुझे एलर्जी भी है, तो आखिर खाना तो मुझे ही है ये। तो अब हम इसे पोर कर देते हैं बैटर को इसमें, और एक बार टैप कर लीजिए, और इस तरह से पोर कर दिया है। और इसको मैंने प्री हीट कर लिया था तवा को, लेकिन यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई। जैसा कि मैंने पहले बोला था, मुझे पैन रखना था, लेकिन मुझे नींद भी आ रही थी, मैंने तवा रख दिया और ये इसे कवर नहीं हो रहा, कवर होना ज़रूरी है। तो अब मैं तवा को हटा के पैन रखूँगा, नॉनस्टिक पैन, और अब प्री हीट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट्स वेट करके इसे प्री हीट कर लिया। 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स प्री हीट हो जाए तो फिर 25 मिनट्स में ही केक, ये ब्राउनी रेडी हो जाती है। तो ये अच्छे से कवर हो गई है और टाइमर सेट कर दिया है मैंने, और इसे मैं लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बेक कर रहा हूँ। तो अब मैं 20 मिनट्स के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आके एक बार इसे चेक कर लेंगे। चेक करना बहुत ही आसान है, एक टूथपिक लीजिए और उससे आप चेक कर सकते हैं। बस लगा हुआ नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हल्का मॉइस्ट आएगा तो वो चलेगा, क्योंकि ब्राउनी है, केक नहीं है, स्पॉन्ज केक नहीं है, इसमें स्पॉन्ज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कवर करता हुआ रहेगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट में रेसिपी इसकी दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ब्राउनी रेडी हो चुकी है। लेकिन जब ये कुक हो जाए, आप स्टोव को ऑफ कर दो, उसके बाद भी आधा एक घंटा इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर साइड से कट कर लीजिए, उसके बाद इसे आप प्लेट में निकालिए। और ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों आज की व्लॉग में सिर्फ खाना है, क्योंकि कल तो फिर से ऑफिस जाना है। रात को मैंने बनाई थी ब्राउनी, और ब्राउनी के साथ मैंने एक मिठाई भी बनाई थी जो साथ साथ में बन रही थी, अभी भी प्रोसेस में है। शाम की थाली के साथ मैं आपको वो मिठाई दिखाऊंगा।
लेकिन अभी हम देखते हैं सुबह की ये नाश्ते की थाली। यहाँ पे है पूड़ी और आलू की सब्जी जिसमें टमाटर की ग्रेवी है, साथ में थोड़े से बनाना चिप्स लिए है, थोड़ा सा मैंने घर का बना हुआ बादाम का हलवा लिया है और थोड़ा सा मैंने लिया है मुंगलेट पिज्ज़ा, यानी दाल का हमने पिज्ज़ा बनाया है घर पर ही जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जल्दी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। दोस्तों शाम हो चुकी है, गर्मा गर्म चाय बना ली है और इसके साथ हमने यहाँ पे बनाई है मंगोड़ी, केर की सब्जी। केर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है खाने में और इसके साथ हमने लिए यहाँ पे थोड़े से बनाना चिप्स और इसके साथ है यहाँ पे घर की बनी हुई रसमलाई। जी हाँ, मैंने एक मिठाई की बात की थी ना, वो मिठाई थी रसमलाई। और ये जो मंगोड़ी है ये क्या है, ये मूंग दाल से बनती है और गेहूं के आटे से बनती है, इसे आप तवे पर बना सकते हैं। और इसमें घी ज़्यादा लगाना है कम लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा कम घी में बनाया है। और जब आप ट्रैवलिंग करते हैं ना तो पूरी के साथ आप इसे भी ले जा सकते हैं, आप इसे अगले दिन भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में और केर की सब्जी के साथ इसका स्वाद दुगुना हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब चलते हैं हमारी मिठाई पर, रसमलाई पर। इन दिनों मैं एक मिठाई बनाना सीख रहा हूँ, वो है रसमलाई, और मुझे लगता है आज ये रसमलाई काफ़ी परफेक्ट बनी है। बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, पहले आप इसका टेक्सचर देख लीजिए। हाँ, मैंने इसे थोड़ा लाइट रखा है, हैवी क्रीम नहीं किया है, मतलब बहुत मलाईदार लच्छेदार रबड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे उतनी लच्छेदार रबड़ी पसंद नहीं है। और ये गुल्ला देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसका अंदर का टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा आया है। अगर आपने ब्राउनी का वीडियो ध्यान से देखा है तो वहाँ पे आपको हल्की सी झलक दिख जाएगी। एक वेसल में कुछ गुल्ले पड़े हैं तो उसी टाइम मैं साथ साथ रसमलाई की भी तैयारी कर रहा था। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने, इसमें कितना अच्छा स्पॉन्ज आया। इसको वापस हम मिल्क में डालेंगे ना, ये बिल्कुल वही शेप ले लेगा जैसे पहले था। इसको आप वापस स्क्वीज कीजिए और इससे वापस इसका मिल्क निकल जाएगा। तो रसमलाई एकदम परफेक्ट बनी है, तो आज का दिन बहुत अच्छा गया। दोस्तों अब मॉर्निंग टाइम हो चुका है, यानी आज फिर से मेरा डायलिसिस है, कल पूरा दिन छुट्टी थी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बनाया है वड़ा पाव, लेकिन हेल्दी तरीके से। हेल्दी कैसे, जो अंदर टिक्की है आलू की उसको मैंने ग्राउंडनट ऑयल में हल्का हल्का रोस्ट किया है। इसको मैंने पकोड़े जैसा नहीं बनाया है, हाँ बेसन के बैटर से हल्की सी पकोड़ी ज़रूर बनाई है, लेकिन वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे एक और ख़ास ट्रिक है, जो आप आलू टिक्की के ऊपर पाउडर देख रही है ना, ये पाउडर कैसे बना, कोई भी मिक्सचर या नमकीन आपके घर में हो उसको ग्राइंड कर लीजिए। तो थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, इससे काफ़ी चटपटा टेस्ट आ जाता है वड़ा पाव में। तो आज का ये खाने वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे इस चैनल वेजी पंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।